सब्सक्राइब कीजिए गार्निंग बॉय यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल का आइकन और इसे सेलेक्ट करें ऑल ऑप्शन पे ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे अच्छे काम में बिजी होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि घर पे हम अपने बैंगन कैसे लगाएं, बैंगन के पौधे कैसे हम उगा सकते हैं। तो दोस्तों, घर की ऑर्गेनिक सब्जियां खाने का कुछ और ही एक मज़ा रहता है और केमिकल फ्री सब्जियां रहती हैं। तो चलिए आज की वीडियो हमारी स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक पे। तो दोस्तों, ये देखिए हमारे बैंगन का प्लांट है, तो आप देख सकते हैं। तो पहले हम दिखाते हैं कि इसमें फ्रूटिंग आपको, तो देखिए दोस्तों, इसमें अभी फ्रूटिंग हो रही है, काफ़ी फूल लगे हुए हैं फ्लावर। और दोस्तों, इससे पहले भी हमने इसमें से फ्रूटिंग ले चुके हैं। तो दोस्तों, इस पे दो बार फ्रूटिंग हुई है और इस प्लांट को 3 महीने लगभग हो गए हैं। मैंने इसको छोटा सा पौधा लगाया था और अब ये काफ़ी बड़े साइज़ का हो गया है। इसमें देखिए करेले की बेल भी लगी हुई है, तो आपको दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इसमें एक बैंगन वहाँ पे आपको दिखाते हैं, देखिए ये लगा हुआ है, ये देखिए। और इसके बगल में भी एक लगा हुआ है, इधर से दिख नहीं रहा है कैमरे से, ये देखिए उधर ज़मीन के तरफ। और इधर एक देखिए एक लगा हुआ है, देखिए एक ये लगा हुआ है। तो दोस्तों, अगर इसकी बात करें कि हम पौधा या कहाँ से लाएं, तो आप देखिए आपके आसपास जो नर्सरी हो वहाँ से आपको ये पौधा मिल जाएंगे, 5 से 10 रुपए पौधा मिलता है। तो देखिए, घर के जो बैंगन हैं, अगर आपने 3 से 4 पौधे लगा लिए तो बहुत होते हैं। तो मेरा तो एक ही ये प्लांट लगा हुआ है, जो कि रसोई में 3 से 4 बैंगन के जो फ्रूट होते हैं वो बहुत होते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये हमने इसमें से तोड़ लेते हैं, ये देखिए, ये घर की ऑर्गेनिक सब्जी है, कोई केमिकल नहीं है और इन्हें खाने का कुछ अलग ही टेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ये देखिए इसमें से मैंने एक तोड़ लिया है और एक और है इधर लगा हुआ। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि आप अपने नर्सरी, आसपास नर्सरी तो वहाँ से पौधा ला सकते हैं, 10 से 5 रुपए आपको पौधा मिल जाएगा आराम से। आप छोटे सा पौधा लाएं तो वो जल्दी लग जाएगा। इस समय बरसात का टाइम शुरू होने वाला है और कहीं कहीं हो भी गया है, तो आप इस समय लगा सकते हैं। और दोस्तों, बात करें कि इसे किस गमले में लगाना है, तो कोई बड़े साइज़ का ही आप गमला लें तो अच्छा है, क्योंकि छोटे साइज़ के अगर आप गमले में लगाएंगे तो ये उतने अच्छे से फ्रूटिंग नहीं दे पाएगा। इसलिए आप बड़े साइज़ का गमला लें तो उसमें अच्छे से फ्रूटिंग होगी। और दोस्तों, देखिए, अगर आपको पौधे नहीं मिलते हैं तो आप इसके फिर सीड जो है वो कहीं से भी मार्केट से या ऑनलाइन आप ले लें, पर ऑनलाइन बहुत महंगे सीड मिलते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने आसपास नर्सरी पे पता कीजिए या फिर जो माली लोग होते हैं आप उनसे कह दीजिए कि हमको बैंगन के सीड चाहिए, तो वो आपको लाके दे देंगे। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो अब आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं सीड को। और दोस्तों, और बात करें तो इसको हमने गमले में लगा भी दिया है, तो इसमें उतनी अच्छी हमको खाद भी डालनी होगी। तो देखिए दोस्तों, मैं भी एक फार्मूला खाद का जानता हूँ, फर्टिलाइज़र जो लिक्विड है, तो वो घर का ऑर्गेनिक है। अगर आप उसको डालेंगे तो काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। उसके ऊपर आप कमेंट करें तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल दोस्तों, इसको अच्छी खाद चाहिए, हर 15 दिन में आप इसको एक बार ज़रूर खाद दीजिए। और दोस्तों, इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, फुल सनलाइट ही में अच्छे से ये फ्रूटिंग फ्लावरिंग करता है दोस्तों। और दोस्तों, इस पे ये होते हैं कि कीड़े जो मिली बग होते हैं वो भी बहुत जल्दी इस पे अटैक करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जब भी इसे पानी दो तो इस प्लांट को पूरे अच्छे से इसे नहलाएं। देखिए आप मेरे पत्ते प्लांट के देख सकते हैं, कितने सही पत्ते हैं, खूबसूरत पत्ते हैं। तो दोस्तों, मैं इसे नहलाता हूँ, इस पर कभी कभार मिली बग का भी अटैक हो जाता है। तो बस आपको ये ख्याल रखना है कि आपको अपने प्लांट को हमेशा साफ रखना है ताकि इस पर कोई बीमारी अटैक ना करे। दोस्तों, बीमारी कोई अटैक नहीं करेगी तो आपको आगे कोई केमिकल वाली इसमें दवाई नहीं डालनी पड़ेगी, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। और देखिए दोस्तों, आपके घर में ऑर्गेनिक सब्जी तैयार हो जाएंगी।
तो दोस्तों आपको मेरी दी गई जानकारी कैसी लगी? तो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें।